नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा को ख़त्म किया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में जो मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं उसको अपन दो तीन लेक्चर में निपटाया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फॉर्मूला की, ठीक है। फॉर्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्री में याद करनी होती है, ठीक है, लेकिन आपको याद करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला लेके बैठ जाएँ और रटना चालू कर दें। आप रटेंगे, 2 दिन तक याद रहेगी, तीसरे दिन भूल जाएंगे। लेकिन आप इसको सिक्वेंशियली याद करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग पर ज़्यादा देर तक रहेगी। और अगर आप चीजें भूल भी जाते हैं, यानी कि फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा हूं और फॉर्मूला को ही समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे चीजों को आप याद करेंगे, ठीक है। अगर याद नहीं होता तो कैसे आप निकाल पाएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला और आपको ये वाला फार्मूला, दो फार्मूला आपको याद होगी तो आप सभी फार्मूला निकाल लेंगे। देखिए कैसे इसको याद करना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला को कैसे आप निकालेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस भी है, ठीक है। अगर हम इसको माइनस बी दे दें, अगर हम इसको माइनस बी दे दें, तो जहाँ पे बी है, जहाँ पे बी है उसको भी माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर b को हम माइनस कर दिए, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिए, a माइनस बी, यानी कि b को माइनस कर दिए, तो जहाँ पे b है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर b को माइनस करेंगे तो माइनस b हो जाएगा यहाँ पे, और cos के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आके प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, क्योंकि इसके अंदर अगर b माइनस में है तो बाहर भी आएगा तो वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइन के अंदर माइनस बी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी रखे तो यहाँ पे माइनस बी आएगा, और साइन के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर निकाल के माइनस में ही दे देता है। तो यहाँ पे प्लस था तो बाहर ही, इसके कारण ये वाला जो माइनस है वो बाहर निकल के यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कैसे, यहाँ पे हम बी को माइनस बी पुट किए, तो जहां जहां बी होगा वहां वहां माइनस बी पुट करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां बी है वहां वहां माइनस बी पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस बी पुट करेंगे, लेकिन ये बाहर आके प्लस में दे देगा, क्योंकि कॉस के अंदर जो भी माइनस होता है वो प्लस में आ जाता है, ठीक है, लेकिन साइन के अंदर जो माइनस में होता है वो बाहर माइनस में निकाल देता है, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे निकाल देगा, तो ये माइनस, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। आप याद कर लेंगे, या इस तरह से इसी को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखें, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको आप याद करेंगे। अब इसी से हम इसको निकालेंगे, कॉस ए माइनस बी, यानी कि बी के जगह माइनस बी पुट कर दिया, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस बी पुट करेंगे, तो इसके अंदर माइनस बी पुट करेंगे, तो कॉस के अंदर माइनस है तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस रह गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी माइनस पुट करेंगे, ठीक है, तो ये साइन के अंदर माइनस में है तो बाहर क्या दे देगा, माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला से और भी देखिए फॉर्मूला निकालते हैं, ये आपको सिर्फ याद होनी चाहिए और ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे b के जगह हम a पुट कर दें, ठीक है, a प्लस ए यानी कि साइन टू ए, ठीक है, वैसे ही है साइन टू ए, तो साइन टू ए क्या हो जाएगा, जहाँ पे b है वहाँ पे a हो जाएगा, क्योंकि b के जगह हम a पुट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए साइन ए, यानी टू बार है साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बी भी है और यहाँ पे बी भी ए है, यानी कि साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, ठीक है, यानी कि दो बार तो यहाँ पे जुड़ गया, और ये इक्वल टू ये होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कॉस ए प्लस बी है, इसको हम बी को ए पुट कर दें, ठीक है, बी को ए पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस टू ए, ठीक है, तो कॉस टू ए, कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे, यहाँ पे बी को ए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बी को ए पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, तो यही लिखा हुआ है। और ये टेन के फॉर्म में क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये होता है टेन के फॉर्म में, आपको याद रखनी है, ठीक है। कॉस के अगर टर्म रहेगा, कॉस टू ए का टर्म रहेगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ दोनों का सेम है ये वाला, ठीक है, ऊपर सिर्फ डिफरेंस है, वन माइनस टेन स्क्वायर ये है, और जब साइन का रहेगा तो टू टेन ए, ठीक है, कर दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यानी कि ये 2 sin A cos B हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin A cos B हो जाएगा, और इधर जुड़ा तो यानी कि sin A+B sin A-B, ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे, ठीक, इन दोनों को घटा दिए तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस में, और ये इधर प्लस होके ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos A sin B, और इसको इसको इधर घटाना है तो ये क्या हो जाएगा, sin A+B sin A+B - sin A-B, ठीक है, ये समझ में आई। अब इन दोनों में आए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो cos A cos B 2 times हो जाएगा, cos A cos B, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये cos A+B + cos A-B, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को घटा दें, ठीक है, इन दोनों को घटा दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2 times माइनस में आ जाएगा, ठीक है, 2 times माइनस में आ जाएगा, ये देखिए, और cos A+B - cos A-B, ठीक है। अब देखिए ये तो माइनस में है तो इसको हम प्लस में ले जाएंगे, इसको प्लस में ले जाएंगे तो इधर माइनस कर देंगे तो ये cos A+B होगा जो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो cos A+B ये माइनस में आ जाएगा, और ये cos A-B है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे cos A+B माइनस में है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, sin C+D इक्वल टू क्या होता है, 2 sin C+D / 2 cos C - D / 2, ये कैसे आता है, देखिए ये इससे आएगा, ठीक है, ये इससे आएगा कैसे, इसको A+B को C मान लें, ठीक है, A+B इक्वल टू C मान लें तो ये क्या हो जाए, और A-B को D मान लें, A-B को D मान लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2A = C+D हो जाएगा, यानी कि A = C+D / 2, ठीक है, और इसको अगर घटाएं तो क्या हो जाएगा, 2B = C - D, ठीक है, तो B = हो जाएगा क्या, C - D / 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, B = C - D / 2 और A = C+D / 2, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे A+B को हम C पुट कर दिए, A+B को C पुट कर दिए, और sin A-B को हम क्या पुट कर दिए, D पुट कर दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 A क्या है, A अभी निकाला C+D / 2, C+D / 2, और क्या है, B क्या होगा, B होगा C - D / 2, अभी निकाला था इससे B = C - D / 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसी तरीके से sin C - sin D, यानी कि यहाँ पे जो A है, A की वैल्यू क्या आई, C+D / 2, और B की वैल्यू क्या आई, C - D / 2, ठीक है, तो इन्हीं दोनों से ये दोनों निकलेगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से cos C+D, यहाँ पे cos C + cos D, ठीक है, इसी तरीके से ये निकल जाएगा, ठीक है, 2 cos C + D / 2 cos C - D / 2, 2 sin C + D / 2 sin D - C / 2, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इस फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। बेसिक आपको याद करने क्या है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है, बाकी सब उसी से डिराइव हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं sin 3A, ठीक है, इसको आपको याद रखनी है, sin 3A, हालांकि ये भी निकलती है लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक है, 3 sin A - 4 sin QA, और cos 3A क्या होता है, 4 cos QA - 3 cos A, और tan 3A 3 tan A - tan QA / 1 - 3 tan²A। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टेन स्क्वायर है, यहाँ पे हर जगह क्यूब आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है बेसिक, हालांकि फॉर्मूला काफ़ी लेंदी है लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कुछ प्रश्न देखेंगे, तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं फॉर्मूला आपको याद करने का जो मेथड है वो समझ में आया होगा, ठीक है, तो अगले लेक्चर में इसी को हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।